हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुरेश, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल एडवाइजर पर। आज मैं आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि रीड स्पेसिफिकेशंस कैसे निकाले जाते हैं, जो रीड का डेंट वायर होता है उसकी थिकनेस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन का बटन लगा हुआ है उसको दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट है रीड्स स्पेसिफिकेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ डेंट वायर थिकनेस। मतलब ये कि जो आपके लूम के अंदर रीड यूज करी जाती है, जो मीटिंग मोशन परफॉर्म करती है और आपकी जो ईपीआई होती है उसको डिसाइड करती है, और जो बाद के धागे आते हैं उनमें इक्वली जो स्पेस होता है वो मेंटेन करती है, वो रीड करती है। दोस्तों, तो उसके स्पेसिफिकेशंस कैसे लिखे जाते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों, और जो डेड वायर होता है रीड का उसकी थिकनेस कैसे कैलकुलेट करी जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊं या कैलकुलेशन डिस्कशन करूं, इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या रीड का क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, रीड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लूम का। सबसे पहले तो ये बीटिंग परफॉर्म करता है, ये आपके जो ईपीआई होते हैं उनको डिसाइड करता है, ये आपके धागों के अंदर जो इक्वल स्पेस होता है उसको रेगुलेट करता है। दोस्तों, आपकी जो रीड होती है यदि उसके स्पेसिफिकेशन करेक्ट नहीं है तो आपके साथ में आपके लूम पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि यदि आपकी रीड के अंदर अगर एयर गैप कम है डेंट टू डेंट, तो वो क्या करेगा कि आपके जो धागे की नॉट होगी, धागा टूटता है उसमें नॉट लगाते हैं, उसको रीड डाउन करते हैं और उसके बाद में फिर मशीन को स्टार्ट करते हैं, तो नॉट पास करते समय पर दिक्कत आएगी, वो बार बार टूटेगा और आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। यदि आपका धागा सपोज करिए डेंट के अंदर रगड़ खा रहा है, एब्रेशन हो रहा है डेंट से, तो वो धागा आपका टूटेगा, आपकी क्वालिटी पुअर हो जाएगी। और यदि आपका रीड का डेंट है उसका मटेरियल अच्छा नहीं है तो क्या होगा, जो ड्यूरिंग मेंडिंग ऑफ दी बार क्या होगा कि आपका डेंट टेढ़ा होने का खतरा रहेगा और आपका कपड़ा भी खराब हो सकता है, यदि डेंट फैल गया तो रीड मार्क आने लगेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपकी जो रीड है उसके स्पेसिफिकेशंस प्रॉपर हो। तो उसके लिए दोस्तों मैंने कैलकुलेशंस दिखाए हुए हैं, तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको रीड ऑर्डर करनी हो दोस्तों तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, वो मैंने आपको यहाँ सारा दिखाया हुआ है। अगर इसमें से कोई सी भी चीज आपने गड़बड़ कर दी तो आपकी वो रीड रिजेक्ट हो सकती है या आपको लूम चलाने में प्रॉब्लम कर सकती है, कपड़ा खराब हो सकता है, आपकी एफिशिएंसी अफेक्टेड हो सकती है, आपकी क्वालिटी अफेक्टेड हो सकती है। तो दोस्तों, यहां हमने आपको दिखाया हुआ कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो रीड ऑर्डर करते समय आपको लिखने पड़ते हैं। सबसे पहला है दोस्तों ओवरऑल रीड विड्थ, दूसरा होता है ओवरऑल रीड हाइट, दूसरा होता है वर्किंग रीड हाइट, अगला होता है डेंट वायर थिकनेस, अगला होता है डेंट विड्थ, अगला होता है डेंट मटेरियल, हाइट ऑफ द टॉप बॉल, हाइट ऑफ द बॉटम बॉल, रीड थिकनेस, एयर स्पेस एंड रीड काउंट। दोस्तों, इनमें से बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो कि यहां पे हमने दिखाए हुए हैं, वो लूम मैन्युफैक्चरर द्वारा फिक्स होते हैं, वो हमेशा वही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि ओवरऑल रीड हाइट, वर्किंग रीड हाइट, डेंट विड्थ, हाइट ऑफ द टॉप बॉल, बॉटम बॉल और रीड थिकनेस एंड एयर गैप आर फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर लूम एंड क्वालिटी। तो दोस्तों, ये सब चीजें तो फिक्स होती है,
ईयर गैप यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ईयर गैप किसी भी रीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ईयर गैप घट जाता है तो धागे के अंदर एब्रेशन होने लगेगा डेंट से और धागा टूटने लगेगा दोस्तों। अब आपको ऑर्डर करते समय क्या करना है, ये सब चीजें फिक्स तो होती है, ये तो आपको जो लूम के साथ में कैटलॉग आता है उससे मिल जाएंगी, या आपके पास में कोई पुरानी रीड पड़ी है उससे भी नाप सकते हो दोस्तों। तो ओवरऑल रीड हाइट फिक्स हो जाएगी। अब मान लिया कि आप किसी रीड का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि क्या क्या आपको निकालना है, वो क्या क्या फिक्स है, देख लीजिए ओवरऑल। अब मान लीजिए कि आप किसी रीड का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, कौन कौन से डेटा निकालने पड़ेंगे और कौन कौन से फिक्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने आपको दिखाया हुआ है ओवरऑल रीड विड्थ, वो आपको निकालनी पड़ेगी। ओवरऑल रीड हाइट वो फिक्स होती है किसी पर्टिकुलर लूम के लिए, तो वो कितनी है 99 mm है, एक पर्टिकुलर लूम के लिए है, ये वेरी कर सकती है लूम टू लूम। वर्किंग रीड हाइट 75 mm है, ये भी वेरी कर सकती है लूम टू लूम, बट एक लूम के लिए फिक्स रहेगी सब। ईयर स्पेस हमेशा फिक्स रखा जाता है, 65-70% किसी भी रीड में ईयर स्पेस होना चाहिए, तो दोस्तों इसको भी हम फिक्स रखते हैं। डेंट वायर थिकनेस, ये आपको कैलकुलेट करके रीड मैन्युफैक्चरर को देनी पड़ेगी, डेंट थिकनेस कितनी आनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, जिससे कि आपका ईयर स्पेस रिक्वायर्ड है वो इफेक्टेड ना हो। अब डेंट विथ भी ये फिक्स होती है लूम मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग। डेंट मटेरियल दोस्तों, ये रीड की क्वालिटी के हिसाब से आते हैं, बट बेस्ट होता है स्टैंडर्ड स्टील, मतलब SS का वायर जो होता है वो यूज करेंगे, तो वो उसमें लचक भी होती है, उसमें कोरोजन भी नहीं होता है, यानी कि जंग भी नहीं लगती है, और इजिली वो टेढ़ा भी नहीं होता है जब आप धागे को ड्रॉ कर रहे होते हैं या ब्रोकन एंड को बेंड कर रहे होते हैं, तब भी वो बेंड नहीं होता है, इससे आपकी रीड का डैमेज होने का खतरा घट जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि स्टैंडर्ड स्टील का ही डेंट वायर यूज करा जाए। अब हाइट ऑफ द टॉप बॉल 8 mm, हाइट ऑफ द बॉटम बॉल 16 mm, ये दोनों डाटा भी रीड मैन्युफैक्चरर या लूम मैन्युफैक्चरर की तरफ से फिक्स होते हैं। रीड थिकनेस 8 mm। तो दोस्तों अब यहां पर देखिए आपको कितने डाटा अपनी तरफ से निकालने हैं। ये देखिए, एक तो ये डाटा निकालना है ओवरऑल रीड विड्थ, दूसरा निकालना है डेड वायर थिकनेस, और तो इसमें दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं आपको कि दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्पेसिफिकेशंस निकाले कैसे जाते हैं। तो उसके लिए हमें कपड़े के डाटा होते हैं वो मिले हुए हैं, या हमें कपड़े की क्वालिटी मिली हुई है, हमें कौन सी कपड़ा बनाना है। दोस्तों ये देख लीजिए फैब्रिक विड्थ कितनी है 120 इंच है, PPI कितना है 110 इंच है, PPI कितना है 90 इंच है, बार काउंट 40 है, रफ्ट काउंट 40 है। तो अब इसमें दोस्तों देख लीजिए, इस कपड़े के लिए हमें निकालना है सबसे पहले रीड काउंट। तो रीड काउंट के लिए हम आपको अपने पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि रीड काउंट कैसे निकाला जाता है, आप हमारा रीड काउंट सिलेक्शन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि ये हमने यहाँ पर रीड काउंट निकाला हुआ है ये इस कपड़े के लिए, तो ये कैसे निकला हुआ दोस्तों। तो ये रीड काउंट आपको निकल के आ गया है 106, वो भी किसमें, स्टॉक पोर्ट सिस्टम में, और स्टॉक पोर्ट सिस्टम क्या होता है, नंबर ऑफ डेंट्स पर 2 इंच इज कॉल्ड स्टॉक पोर्ट सिस्टम। तो अब आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालनी है ओवरऑल रीड विड्थ, और आपको निकालनी है डेंट वायर थिकनेस। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि ये ओवरऑल रीड विड्थ कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए, हमने आपको ओवरऑल रीड विड्थ निकाल के दिखाई हुई है। WSM मतलब, WSM का मतलब मैंने यहां पर दिया हुआ है कि वेस्ट सेल्वेज मार्जिन। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो रीड की हम ओवरऑल रीड विड्थ निकाल के दिखा रहे हैं, हम शटरलेस लूम की दिखा रहे हैं, वो भी रैपियर लूम के ऊपर दिखा रहे हैं दोस्तों। तो उसके ऊपर क्या होता है कि दोनों साइड के अंदर
जो वेस्ट निकलती है उसका मार्जिन छोड़ा जाता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे दिखाया वेस्ट मार्जिन दिखाई हुई है सेल्वेज की लेफ्ट हैंड साइड की, और वेस्ट सेल्वेज मार्जिन दिखाई हुई है राइट हैंड साइड की, और ये रीड स्पेस दिखाया हुआ है। तो ये रीड स्पेस आपने निकाल लिया, वो मैंने आपको पुराने वीडियो में दिखाया हुआ कैसे निकालेंगे। रीड स्पेस निकालने के बाद में अब यहाँ पे देखिए 25 mm ये लेफ्ट हैंड साइड की वेस्ट सेल्वेज मार्जिन है, ये 124 है, अब ये राइट ये रीड स्पेस है, ये 25 mm है, ये आपकी राइट हैंड साइड की वेस्ट सेल्वेज मार्जिन है। अब इसको हमने सबको जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो ये निकल के आ गया आपका, ये निकल के यहाँ आ जाता है 3200 mm। तो दोस्तों अब आपकी ओवरऑल रीड मिस हो गई, 3200 mm की रीड आपको मंगानी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी जो लूम बदलेगी, अगर ब्रांड बदलता है या आपका सिस्टम बदलता है, कुछ भी होता है, सपोज करिए आप अब इसको बढ़ा रहे हो रेपियर लूम पे तो 3200 mm आई है, अगर यदि आप इसको सुलियत पे बनाओगे तो ये कम हो जाएगी, यदि आप इसको एयरियट पे बनाओगे तो फिर चेंज हो जाएगी, इसलिए जो वेस्ट सेल्वेज मार्जिन है वो कम ज्यादा होती रहती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद में अब दूसरा पैरामीटर जो आपको निकालना है वो है डेंट वायर थिकनेस। तो किसी भी रीड की डेंट वायर थिकनेस कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखाया हुआ है। तो आप कौन सी रीड खरीद रहे हैं, आप 106 crore की रीड खरीद रहे हैं, ESP कितना रखना है आपको, 70% रखना है, ये स्टैंडर्ड होता है 65 से 70%, यहाँ पे हमने 70% लिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद में आपको ये देखना है कि कितने काउंट की रीड खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं 106 crore की रीड खरीद रहे हैं, यहाँ पे देखिए तो नंबर ऑफ डेंट्स पर इंच कितने आ गए आपके, 53, ये आ गए 53 डेंट्स, एक इंच में कितना हो गया 53 डेंट्स। अब देखिए यहाँ पे तो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई 53 डेंट, मतलब जो 53 डेंट हैं वो कितना स्पेस कवर करेंगे, वो करेंगे आपका 53 × dent wire thickness। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एयर स्पेस इज इक्वल टू कितना है, 25.4 / 100 × 70। दोस्तों ये 25.4 क्यों रख दिया मैंने यहाँ पे, 25.4 का मतलब है कि एक इंच के अंदर 25.4 mm होते हैं, तो अगर हम एक इंच में एयर स्पेस निकालें तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 25.4 × 70 / 100, वो हो जाएगा आपका 17.78 mm। तो अब यहां पर देखिए स्पेस ऑक्यूपाइड बाई 53 डेंट, तो 53 डेंट कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगे, यानी कि ये तो था पूरे 53 डेंट का स्पेस ऑक्यूपाइड, ये था 25.4 मतलब एक इंच, और यहां पर देखिए अब 53 डेंट जो करेंगे एयर स्पेस काट देंगे अगर, तो कितने हो गए आपका, ये 25.4 − 17.78, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर एयर स्पेस सबस्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर, तो आपके 53 डेंट होंगे वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगे, वो करेंगे आपका 7.62 mm। दोस्तों 53 डेंट इंटू डेंट वायर थिकनेस इज इक्वल टू 7.62 mm, इस तरीके से डेंट वायर थिकनेस क्या हो जाएगी आपकी, 7.62 / 53 mm, ये निकल के आ जाएगी डेंट वायर थिकनेस इज इक्वल टू 0.14 mm। तो दोस्तों ये जो डेंट थिकनेस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपको बहुत केयरफुली निकालने पड़ते हैं, अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपको लूम के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, आपको नॉट पास नहीं होगी, हो सकता है या आपके ब्रेकिंग बढ़ जाए या आपके जो डेंट खराब होने का भी खतरा हो सकता है, अगर मटेरियल सही नहीं हुआ उससे रीड मार्क भी आ सकते हैं, अगर आपके डेंट स्मूथ नहीं होंगे तो धागे का डेंट के साथ एब्रेशन होगा, हेरीनेस भी आ सकती है कपड़े में, तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। दोस्तों नीचे देखिए मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि आप इन सब चीजों को कैसे लिख सकते हो, ये फ्लैट रीड है, ये रैपिड लूम पे काम आती है, ये आपको सुलियत प्रोजेक्टाइल लूम पे काम आती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सब कुछ दिखाया हुआ हमने, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की ओवरऑल रीड हाइट है, ये यहाँ से लेके
ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ओवरऑल ग्रिड विड्थ है, और ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया हुआ हमने आपको यार, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये क्या है आपका टॉप बॉल, ठीक है, और ये है यहाँ से यहाँ तक की डेंट विड्थ है, ये आपका ये देखिए बॉटम बॉल है, ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, ये रीड थिकनेस है, तो सारे स्पेसिफिकेशन हमने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, तो इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि हमने जो ऊपर डिस्कशन किया है वो हम क्या क्या बोल रहे थे, तो इस पिक्चर के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा डिस्कशन समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको दोस्तों, यदि आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।